अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। और दोस्तों जो मेरा जॉली अज़ीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और दोस्तों मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले हाउस होल्ड आइटम्स के बारे में भी वीडियोज लेकर आता हूँ। और दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक जिम को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं हम लोग को मरवारीत के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों मरवारीत को इसके अलावा मोती बोला जाता है, इंग्लिश के अंदर इसे पर्ल बोला जाता है। और दोस्तों जो मरवारीत मोती जो है एक हार्ड ग्लेटिंग नेचुरली प्रोड्यूस सब्सटेंस होता है। और दोस्तों जो मोती का केमिकल फॉर्मूला CaCO3 है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और दोस्तों नेचुरली तौर पर ये जब कोई पार्टिकल ऑस्टर के अंदर जिसे सदर बोला जाता है या दोस्तों जो शेल्ट मोलस्क होता है दोस्तों जब उसके मुंह के अंदर वो पार्टिकल जाता है तो उसके इर्द गिर्द वो एक होल बनाना शुरू कर देते हैं जो बाद में मोती में कन्वर्ट हो जाता है। और दोस्तों ये बहुत सारे रंगों के अंदर अवेलेबल होते हैं, लाइट पिंक होता है, वाइट होता है, लाइट ब्राउन होता है, लाइट जामनी होता है। और दोस्तों ज़्यादातर जो सफ़ेद कलर के मोती होते हैं दिखने के अंदर वही खूबसूरत ज़्यादा लगते हैं। और दोस्तों मोती के बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं, इसे देसी हर्बल अद्वियात बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों इसके अलावा मोती को कॉस्मेटिक और ज्वेलरी आइटम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मोती बहुत सारी शक्लों में होते हैं लेकिन जो परफेक्ट शेप होती है वो राउंड होती है और स्मूथ होती है। हकीम लोग इसका बहुत बारीक पाउडर सफूफ बनाकर उसे अरके गुलाब के अंदर मुसफ़ा करते हैं, हल करते हैं। और दोस्तों इसके बाद बहुत सारे इससे वाइटल फोर्स टॉनिक बनाए जाते हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स को ताकत देते हैं। इसके अलावा इसके जनरल टॉनिक्स भी बनाए जाते हैं, आँखों के सेहत के लिए बेहतरीन है। दोस्तों जिसमें से कैल्शियम की कमी को ये दूर करती है। बहुत सारी डिप्रेशन और एंजाइटी की अद्वियात इससे बनाई जाती है और ऐसे लोगों के लिए भी अद्वियात बनाए जाते हैं जो मजनून होते हैं, जिन्हें बहुत सारे फोबियाज होते हैं। तो इसके अलावा दिल और दिमाग की कमजोरी को दूर करता है, दिमाग को ताकतवर बनाता है। और दोस्तों मरवारीत मोती के साथ हकीम लोग बहुत मशहूर किस्म के कुश्ताजात, मजूने और खमीरे बनाते हैं। तो इसका बहुत ही मशहूर एक खमीरा है, खमीरा मरवारीत। इसे कलशी भी बनाता है, हमदर्द भी बनाता है, अजमल वाले भी बनाते हैं। और दोस्तों जो जिस्मानी दिमागी दिल की कमजोरी को दूर करता है, जिस्म की थकान को ख़त्म करके जिस्म को ताकत देता है, बहुत सारे मेंटल ब्रेन इश्यूज को सोल्व करता है, जिस्म ऐसे बेचैनी, परेशानी, उलझनों, मजनूनी को ख़त्म करता है। और दोस्तों मरवारी मोती आपको पंसारी शॉप से आसानी के साथ ही मिल जाएगा। दोस्तों इसे सुच्चे मोती भी बोला जाता है। और दोस्तों जब भी आप किसी मकसद के लिए मरवारी मोती को इस्तेमाल करें और आप कोशिश करें कि खालिस ही खरीदें। अगर खालिस नहीं होगा ये, क्योंकि आर्टिफिशियल भी बनते हैं, तो ये सेहत के हवाले से वर्क नहीं करेंगे। और दोस्तों मरवारी मोती के पाउडर को बहुत सारी जो है फेशियल क्रीम बनाने के लिए और मास्क बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ज्वेलरी शॉप वालों ने भी सुच्चे मोती रखे होते हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं। चले दोस्तों ये तो थे मरवारीत यानी मोती पर्ल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। दोस्तों मोती को अगर तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसका जो मजाज है मोतदिल ठंडा होता है। अगर इसे गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये गुर्दे की पथरी पैदा करता है, गुर्दे खराब करता है। एक्सट्रीम यूज करने से सर के अंदर दर्द हो सकता है और दोस्तों जिस्म के अंदर रेस्टलेस पैदा करेगा। तो इस वजह से जब भी आप किसी नुस्खे के हवाले से मोती मरवारीत को यूज़ करें किसी अच्छे हकीम के साथ मशवरा कर लीजिएगा। चले दोस्तों ये तो थे मरवारीत मोती यानी पल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मरवारीत मोती के हवाले से जो मैंने आपको वीडियो बना के दी आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपका मजीद कोई सवाल है मरवारीत मोती पल के हवाले से तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी और वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस और खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, साइकोलॉजी का मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के बारे से पूछना चाहते हैं या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपका इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो मिक्स मालूमाती वीडियोज ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोज भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अज़ीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।